गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ प्लस वन कॉमर्स। सेकेंड चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी गुड्स बिजनेस के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, उसे कस्टमर तक पहुंचाने में कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कॉमर्स की हेल्प से ही गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। गुड्स को ट्रांसफर करने में बहुत सारी हिंड्रेंस, मतलब रुकावटें होती हैं, लेकिन उन रुकावटों को दूर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या है, एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि कॉमर्स का क्या रोल है बिजनेस में, या कॉमर्स बिजनेस में कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्संस। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत सोसाइटी में हर सेक्शन में कंज्यूमर्स को होती है, और प्रोड्यूसर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो हर कंज्यूमर तक अपनी पहुंच बना सके। अब ये कॉमर्स है जो इस रुकावट को, इस हिंड्रेंस को दूर करेगा। वो कैसे? कॉमर्स के थ्रू एक चेन बनाई जाती है मिडलमैन की। जो मिडलमैन है वो कॉमर्स का पार्ट है। कौन से मिडलमैन? प्रोड्यूसर से माल पहले खरीदता है होलसेलर। होलसेलर जो लार्ज क्वांटिटी का सामान पैक्ड सेल करते हैं, होलसेलर के द्वारा सामान जाता है रिटेलर के पास। रिटेलर वो है जिनसे हम सामान परचेज करते हैं, जो लूज सामान, वैरायटी ऑफ थिंग्स हमें बेचते हैं। उसके बाद रिटेलर से हमारे पास कस्टमर तक पहुंचता है सामान। तो ये बीच में जो चेन आई होलसेलर और रिटेलर की, उनकी वजह से हर कंज्यूमर तक सामान पहुंच पाता है, और ये चेन कॉमर्स का पार्ट है। तो इस तरह कॉमर्स एक चेन क्रिएट करके प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर तक आसानी से हर सामान पहुंचाता है। सेकेंड पॉइंट है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। स्टूडेंट्स देखो, गुड्स जो है वो एक मतलब लिमिटेड जगहों पे प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत हर कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी में होती है। तो हर कॉर्नर तक गुड्स को पहुंचाने में अगला रोल जो कॉमर्स प्ले करता है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन भी कॉमर्स का पार्ट है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है और हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करती है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, और ये क्रिएट करती है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में हेल्प करे। प्लेस यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड पॉइंट है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हमें जो पेमेंट देनी होती है वो है मनी, और ये मनी है, ये हम कई बार चेक्स के थ्रू पे करते हैं, कई बार हम ड्राफ्ट बना के पेमेंट करते हैं, और जो बिजनेसमैन है वो भी अपना पैसा बैंक में जमा करवाता है, या फिर लोन लेना हो तो बैंक से लेता है। तो इस तरह से बैंक हमें एक्सचेंज करने के लिए जो मनी है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। तो बैंक जो है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को रिमूव करता है, ख़त्म करता है। अगर बैंक्स ना होते तो उतने ग्रैंड लेवल पे बिजनेस नहीं हो सकता था जितने पे चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग लोन वगैरह लेके फिर अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। नेक्स्ट इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। देखो, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो सीजनली प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी सारा साल होती है, हम सारा साल उसको खरीद सकते हैं, और वैसे भी माल फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन लगा के फिर फ्यूचर के लिए भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो फ्यूचर का सामान बना के क्या किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है वेयर हाउस में, और जब उसकी ज़रूरत हो तो वो गुड्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं कस्टमर्स को। तो इस तरह से जो टाइम गैप है प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में, उसे कवर अप करने में हमारी कॉमर्स कैसे हेल्प करता है? थ्रू वेयर हाउस। तो वेयर हाउस क्रिएट करते हैं टाइम यूटिलिटी, मतलब ये टाइम गैप को कवर अप करते हैं, जो टाइम गैप है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। नेक्स्ट इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, हमारे गुड्स डैमेज हो सकते हैं, फायर लग सकती है, स्टोरेज में खराब हो सकते हैं, ट्रांजिट करते हुए ट्रांसपोर्टेशन पे कोई नुकसान पहुंच सकता है उन गुड्स को। तो इस तरह बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस में। तो जो
इंश्योरेंस है वो हमें ये सारे रिस्क की कवरेज प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रॉमिस करती है कि अगर हम प्रीमियम भरेंगे, अगर हम इंश्योरेंस करवाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी कल को अगर हमारा नुकसान हो जाए तो उसका सारा नुकसान इंश्योरेंस कंपनी भरती है। तो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क जो है उसे कवर अप करने में कौन हेल्प करता है? इंश्योरेंस। लास्ट इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसके बारे में हमें घर बैठे ऐसे नहीं पता लग सकता, उसके लिए हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तभी वो प्रोडक्ट की सेल हो पाती है, जब कस्टमर को पता चलेगा तभी तो वो सामान खरीदेगा। तो नए प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाने में, कंज्यूमर्स को अवेयरनेस पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट भी कॉमर्स का ही पार्ट है, जो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को, मतलब नॉलेज पहुंचाने में हमें हेल्प करती है और इस रुकावट को दूर करती है। तो ये है सारे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लर्न कीजिए। आपने 4 मार्क्स के लिए क्या करना है? सबसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में से करनी है, उसके बाद 6 के 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, बट रजिस्टर के आपके 4 to 5 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए 1 पॉइंट की। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।